बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा सरफराज खान, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली ने रचा इतिहास। तो वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। अगर आप भी रोहित शर्मा यानी कि हिटमैन रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं बल्कि 400 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, काफी तूफानी रोमांचक घातक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि 3 ओडीआई मुकाबले श्रीलंका से हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे और रोहित शर्मा के सामने सिर्फ गेंद और बल्ले की दूरी दिख रही थी। रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े तो रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि लगातार 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर थर कांप उठे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कोहराम मचा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का रोहित शर्मा ने ठोक दिया। तो वहीं चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला भी मैदान पर काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से गर्ज रहा था। रिंकू सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से यहां पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। जायसवाल ने 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका ठोक दिया। जायसवाल ने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और 8वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया जहां पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दी। रोहित शर्मा ने 8वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वहीं यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब यहां पर आप सभी को बता दें 58 रन ठोकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा के दोस्त यशस्वी जायसवाल आउट हुए। यशस्वी जायसवाल जैसे ही आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सरफराज खान। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान वो ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सरफराज खान ने ताबड़तोड़ अंदाज में 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। सरफराज खान और रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान और रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार रोहित शर्मा और सरफराज खान जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा और सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। सरफराज खान ने
13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। सरफराज खान ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी, लेकिन दोस्तों 15वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने फिर कमाल कर दिया। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सहवाग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार रोहित शर्मा इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थरथर कांप उठे। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का, यहां पर सरफराज खान ने फिर ठोक दिया। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर की पहली बॉल पर दौड़कर 2 रन यहां पर रोहित शर्मा ने लिए। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक सरफराज खान को दे दी। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर सरफराज खान ने एक ओवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया और 19वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक यहां पर रोहित शर्मा को दे दी। रोहित शर्मा ने 19वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार 2 छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा काफी बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, तो वहीं सरफराज खान भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। सरफराज खान ने 22वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सरफराज खान और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थरथर कांप उठे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर रोहित शर्मा और सरफराज खान का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा और सरफराज खान के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने कमाल कर दिया। सरफराज खान ने 25वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इस बल्लेबाज ने 11वें से ओवर लेकर के 25वें ओवर तक 128 रन ठोक दिए। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों 25वें ओवर के बाद 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर जैसे ही सरफराज खान आउट हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए और सरफराज खान जब आउट हुए तो बांग्लादेश यहां पर रोहित शर्मा को आउट करना चाहते थे। रोहित शर्मा को आउट करना लेकिन मुश्किल नहीं नामुमकिन था। रोहित शर्मा का बल्ला गुस्से में चल रहा था। रोहित शर्मा काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। यहां पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली ने 28वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं यहां पर 29वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के रोहित शर्मा ने ठोक दिए। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार रोहित शर्मा जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज को आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। विराट कोहली ने 31वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 कवर ड्राइव की ओर चौके रोहित शर्मा ने ठोक दिए। दोस्तों 33वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके फिर रोहित शर्मा ने ठोक दिए। 35वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके विराट कोहली ने ठोक दिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। 37वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 रन यहां पर विराट कोहली को मिले। दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, 38वें ओवर की चौथी बॉल पर सिर्फ 1 रन रोहित शर्मा को मिला। अब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम के बल्लों से रन नहीं निकल रहे थे। बांग्लादेश का एक ऐसा तूफानी विस्फोटक गेंदबाज था जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक गेंदबाजी कर रहा था। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, 40वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का साथ दे रहे टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली आउट हुए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड पल भर में तोड़ देता है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर कदम रखा, 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे।
कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। कप्तान रोहित शर्मा ने 40वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। 41वें ओवर की 6 गेंदों पर जडेजा ने 3 छक्के 3 चौके फिर ठोक दिए। रविंद्र जडेजा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 42वें ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन रोहित शर्मा ने बना पाए। 43वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 रन जडेजा ने बना पाए। 44वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 रन जडेजा को फिर मिला, तो वहीं 45वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 भी रन भारतीय टीम को नहीं मिला। आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हो, क्योंकि बांग्लादेश के 2 गेंदबाज ऐसे थे जो काफी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाजी कर रहे थे और काफी ज्यादा गुस्से में वो भी गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये मुकाबला हमारी हाथों से निकलता हुआ जा रहा। लेकिन दोस्तों 45वें ओवर की 4थी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, जब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा भी यहां पर 408 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी सी छा गई। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में 46वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 गगनचुंबी छक्के से शुरुआत की। 47वें ओवर की 6थी बॉल पर रविंद्र जडेजा कैच आउट का सामना कर बैठे, जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने 47वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। सूर्य की शुरुआत काफी बेहतर थी। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने यहां पर 48वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान जब आउट हुए तो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल 38 रन ठोक करके जब आउट हुए तो 92वें ओवर की 4थी बॉल पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह, जिन्होंने 92वें ओवर की 4थी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 92वें ओवर की 5वीं 6थी बॉल पर 2 छक्के लगातार फिर ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले टेस्ट के मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 56वें ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के और चौका ठोक दिया। 57वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। यहां पर 60वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम पूरी की पूरी ऑल आउट हो गई, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर ने पहले टेस्ट मुकाबले के पहले के वार्म अप मुकाबले में जो है काफी बेहतर विस्फोटक बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। फिलहाल एक वार्म अप मुकाबला था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।